आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रीवा संभाग में BSP सुप्रीमो मायावती ने विशाल जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस और सत्ताधारी BJP पर बोला हमला। ठंड की शुरुआत में होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाया गया अभियान। रीवा मध्य प्रदेश के सिविल लाइन में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से बरामद हुए 4,30,000 रुपए। लखीमपुर खीरी में कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान सालिग्राम और माता तुलसी जी का रखा गया विवाह समारोह। और हमीरपुर में आग के गोले में तब्दील हुई कार, लोगों में मची अफरा तफरी। और अब खबरें विस्तार से। रीवा संभाग में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और BSP सुप्रीमो मायावती ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस और सत्ताधारी BJP पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान गठबंधन न होने की बात भी कही। रीवा संभाग में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और BSP सुप्रीमो मायावती ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस और सत्ताधारी BJP पर जमकर हमला बोला और उनकी कमियों को लगातार गिनाती रही। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान गठबंधन न होने की बात भी कही और बताया कि कांग्रेस पार्टी हम है, काम सीट दे रहे थे जिसके कारण यह गठबंधन नहीं हो सका। नवंबर महीने में ठंड की शुरुआत हो जाती है, जिसके आवागमन कर रही गाड़ियों में धुंध होने की वजह से कई जगह दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी रोकथाम के लिए जिला सिद्धार्थनगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आशुतोष शुक्ला ने इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक अभियान चलाया। नवंबर माह में ठंड की शुरुआत हो जाती है और कोहरा छाया रहता है, जिसकी आवागमन कर रहे गाड़ियों में धुंध होने की वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं, जिसकी रोकथाम के लिए जिला सिद्धार्थनगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आशुतोष शुक्ला ने इस तरह की घटना को रोकने के लिए एक अभियान चलवाया, जिसमें पूरे जिले के चौराहे पर गाड़ियों को रोककर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप को पूरे विभाग के द्वारा ऑटो रिक्शा, कार, ट्रैक्टर, कई गाड़ियों में लगाया गया। टेप के माध्यम से सभी को समझाया गया कि दूर से ही गाड़ियों के आने का संकेत पता चल जाएगा, जिससे दुर्घटना होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि इस टेप पर रोशनी पड़ने पर चमकने लगता है, जिसकी दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी को पता चल जाएगा, जिससे दुर्घटना होने से पहले ही ड्राइवर अपनी गाड़ी को नियंत्रण में कर लेगा, जिससे धुंध में भी इस टेप का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। परिवहन विभाग द्वारा ज़्यादातर ट्रैक्टरों में इस टेप को लगवाया गया। HBN न्यूज से संवाददाता सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। विभिन्न वाहनों पर उनके पीछे रेडियम पट्टी लगवाई गई, क्योंकि अब ठंड शुरू होने वाली है। जैसे ठंड शुरू होगी तो कोहरा बढ़ेगा, कोहरा बढ़ेगा तो विजिबिलिटी कम होगी, तो अगर किसी गाड़ी में रेडियम पट्टी नहीं लगी हुई है तो उसमें एक्सीडेंट संभावना अधिक रहती है। वाहन वैसे फिटनेस के टाइम पर या आधे टाइम पर रेडियम पट्टी लगवाते हैं, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली विशेषकर जो ईंटें ढो रही हैं या मिट्टी ढो रही हैं, वो बहुत अवेयर नहीं, जागरूक नहीं है और वो रेडियम पट्टी नहीं लगवाते हैं, जिसके कारण ठंडी के दिनों में दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए सभी गाड़ियों पर रेडियम पट्टी लगवाया गया, लेकिन विशेषकर ट्रैक्टर ट्रालियों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। रीवा मध्य प्रदेश के सिविल लाइन में वाहन चेकिंग के दौरान 4,30,000 रुपए एक कार से बरामद किए गए। फिलहाल वाहन मालिक से पूछताछ जारी है। रीवा मध्य प्रदेश के सिविल लाइन में वाहन चेकिंग के दौरान 4,30,000 रुपए एक कार से बरामद किए गए। वाहन मालिक राजेश कुमार गुप्ता, पिता सुदामा प्रसाद गुप्ता, निवासी थाना बैकुंठपुर से जब्त कर पूछताछ की जा रही है। लखीमपुर खीरी में माता जी के मंदिर पर हर साल की तरह इस साल भी मां राज राजेश्वरी माता जी के मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान सालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह समारोह रखा गया, जो बड़े ही धूमधाम से किया गया। लखीमपुर खीरी के कोतवाली निगासन के अंतर्गत गुलरी पूर्वा माता जी के मंदिर पर हर साल की तरह इस साल भी मां राज राजेश्वरी माता जी के मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान सालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह समारोह रखा गया, जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़ी ही सुंदर झांकियों के साथ पूरे गाँव में बारात निकाली गई और सभी को भंडारा करवाया गया।
सभी विधि विधान से माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह संपन्न हुआ। वहीं देश और देश के रक्षा कर रहे सैनिकों के लिए एक माह से मंदिर प्रांगण में घट पूजन भी रखा गया, जो लगातार चल रहा है। तराई क्षेत्र के इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। लोगों का कहना है इस मंदिर से कोई भी आज तक खाली हाथ नहीं लौटा। जो सच्चे मन से माता जी से अरदास करता है, माता राज राजेश्वरी उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। वही हर महीने की 11 तारीख को यहाँ विशाल मेला भी लगता है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ विदेशों तक के लोग माता के दरबार में आते हैं। इस विवाह के मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। HBN न्यूज से संवाददाता विकास वर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर में एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने जा रहा था कि तभी आग की चिंगारी गाड़ी से निकलने लगी। ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की और जब तक कुछ समझ पाता, गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई और जलने लगी, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हमीरपुर के राठ थाने में उरई रोड स्थित नहर के पास से सियावरी ग्राम से आ रहे एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने जा रहा था कि तभी आग की चिंगारी गाड़ी से निकलने लगी। ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की और जब तक कुछ समझ पाता, गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई और जलने लगी, जिसमें लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने देखा ड्राइवर किसी तरह अपनी जान बचाकर गाड़ी को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। देखते ही देखते कुछ समय में गाड़ी जलकर खाक हो गई। HBN न्यूज से संवाददाता विकास वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपको? और अभी यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा है और ये गाड़ी जल रही है, क्या मामला है पूरा? बलवान मेरा नाम है, सारी के रहने वाला, और जो अचानक चलते चलते आग लग गई गाड़ी में। ये कौन सी गाड़ी थी? डीलक्स। तो कैसे आग लगी है? धूं धूं करके जलने लगी, क्या वजह है इसकी? पता नहीं, एकदम से आग पकड़ी जो मैंने स्टैंड पे की, वो धूं धूं करके जलने लगी। कितनी देर की पहली घटना है ये? और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।